सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। जय श्री राम। व्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं बैठे बैठ के व्लॉग शुरू क्यों कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, कल मैं बाइक से गिर गया था। मैं कल हेयर कट कराने गया था तो बाजार में बहुत भीड़ थी और मेरी बाइक स्लिप कर गई तो मैं गिर गया था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ ज़्यादा लगी है थोड़ी। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। और एक दिन के बाद, कल के बाद मतलब दिवाली है, देखते हैं दिवाली कैसे मना सकता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा चला नहीं जा रहा है और पैर में दर्द भी है चलते हुए। आई होप कल तक थोड़ा ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, कि मैं परसों पूजा भी करनी, वहाँ बैठ पाऊँ और बाहर पटाखे तो बजा नहीं पाऊँगा पर बैठ जाऊँगा, क्योंकि काशी और शिवी फोड़ेंगे तो देख लूँगा। तो बहुत दर्द है, देखते हैं बाद जो भी। बहुत दर्द हो रही है अब दर्द हुई है कल की, गिरा हूँ ना तो करके बजा होगा यहाँ पे, तो करके दर्द है। चलो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो गाइस, मैंने पहले ही घर में लड़ियाँ लगा दी थी और मैं दिखाता हूँ आपको कि लड़ियाँ कैसी लग रही है। ये हमारे बाहर रूम में, मेरे रूम में बाहरी खिड़की आए मिरर लग रहा है, यहाँ से सब दिखता है बाहर का। तो लेटर दे सकते हैं, क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जब अभी उठ नहीं सकता। मैं आपको बाहर का दिखा दूंगा कि लेटे घर कैसे लग रहा है, लाइट लग के बहुत प्यारा लग रहा है, दिखा दूंगा मैं आपको। डॉक्टर ने अभी चलने से मना करा है, ज़्यादा चलना नहीं है ना, और दिक्कत हो जाएगी, सेफ्टी अपने हाथ में है। तो गाइस, दिवाली पर ज़्यादा भीड़ होती है ऐसे टाइम में, रात को तो बाहर निकलना नहीं चाहिए। जो जरूरी काम हो तो संभल के जाएँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और त्यौहार का दिन है और ठंड वैसे चल हो आने वाली है तो और दिक्कत होगी आपको। तो अपना सब अपना ध्यान रखें, मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो मैं जब बाहर गया तो दिखा दूंगा आपको। तो गाइस, पटाखे चेक कर रहे हैं बजा के, डायनामाइट। अभी तो बाहुबली है, बाहुबली। तो भाई साहब फिक्री चेक कर रहे हैं, बड़ी वाली है, आग नहीं लग रही काशी से, लगी चल गई, फटेगी है यार ये बस। बस यार क्या, बड़े वाली थी ये, बेकार माल है, बड़े वाली थी ये, छोटी थी, बड़ी थी, अरे छोटी थी। तो गाइस छोटी चेक करिए, इतनी बड़ी नहीं है, ठीक ठीक है। गाइस तो पिछली बार हम 100 वाला लाए थे, अब अगली बार 100 वाला लाएंगे, 34 वाला ले आए गलती से। तो गाइस एक कहना चाहता है कि हम पिछली बार 100 स्काई शॉट लेके आए थे, जो भी 100 बार छूटा था, इस बार हम कम लेके आए हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं इससे ज़्यादा लेके आएंगे। पर जो इस बार लेके आए वो ट्राई करके दिखाएंगे आपको कि सही जाते हैं, पर जो पिछली बार 100 वाले थे वो ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे, यही फूट गए थे, तो करके अगली बार नहीं बढ़िया लेके आएंगे। ये ना ये देखो, ये छोटे वाले बड़ा पता ही नहीं था मुझे, छोटे वाला भी है डायनामाइट। तो गाइस जो हमने डायनामाइट फोड़ते और इंदिरा के बड़े वाले थे, तो ये छोटे वाले हैं, इन्हें भी ट्राई करके देखेंगे कितनी साउंड है, दिखाते हैं आपको। तो गाइस फिर पटाखे हम रविंद्रा के लेके आए हैं, पर ये दूसरी कंपनी का छोटे वाला कोका, चेक कर लेते हैं कैसे बजते हैं, साउंड कितनी तेज है, फिर दिखाता हूँ आपको। गोडे देखो, अरे बहुत टाइम लगते यार, थोड़ा थोड़ा सा कम था। इसकी आवाज ठीक थी पर अंदर दब गया, ज्यादा आवाज आई नहीं, पर जो बड़े वाले थे उसकी बात तो खतरनाक है, जब एक बसता है ना बंदा कांप जाता है। और फोड़ने मिट्टी वाला नार लाते हैं, एक बाहुबली गाइस, मिट्टी वाला नार की बढ़ रही, कल फोड़ेंगे मिट्टी वाला नार का मैम पे। गाइस कमेंट कर बताना लेटे कैसी लग रही है। ठीक है कल फोड़ेंगे। अरे मैं पुशअप लगा के दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 15 आगे पटक के बोल्ट हम आ चुके हैं। सो हे गाइस, आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली, आप सब घर में खुश रहो और दिवाली अच्छी तरह बनाओ।
सेफ्टी जरूर बना के रखना, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि त्यौहार वाले दिन ज़्यादा बाहर ना जाए, जरूरी काम ना हो तो कुछ भी हो सकता है। तो और क्या, सेफ्टी रखें और त्यौहार बढ़िया तरह मनाएं। तो गाइस वैसे दर्द है, वैसे चल पा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं अब ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा दर्द है गोड्डे में, पर मैं चल पा रहा हूँ। आज घर में पूजा भी करेंगे और बाहर पटाखे फोड़ेंगे, सब दिखाऊंगा आपको, पर व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। मेरे व्लॉग तब भी नहीं आ पा रहे थे चोट करके, और वैसे भी कोई प्रॉब्लम करके नहीं आ पा रहे थे, मैं व्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहा था। अभी चोट ठीक हो जाएगी फिर कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब चोट लगी तो करके व्लॉग बना नहीं पा रहा था। कोई नहीं, तबीयत ठीक वैसे हो गई बेटर, और बस चोट ठीक हो जाए फिर व्लॉग कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो वैसे मंदिर माला लग चुकी है और हम तैयार हो चुके हैं, मेरी आउटफिट देख सकते हैं आप, कुछ देखने के भी दिखाता हूँ आपको मैं मिरर में। और बार पटाखे फोड़ने, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, और जो चैनल पर नया हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि मेरे जो ब्लॉग आएंगे आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे करेंगे। इतना क्यों डर रहे हो? तो गाइस अब व्लॉग को एंड करते हैं, मैं कल रात कर नहीं पाया क्योंकि हम रात को पटाखे फोड़ के 12 बज गए थे हमें, और थक गया था, चोट भी लग गया था करके नींद आ गई थी, तो मैं सो गया था। अगले दिन व्लॉग एंड कर रहा हूँ, व्लॉग अच्छा होगा तो लाइक मैसेज जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे और नए व्लॉग के साथ, जय श्री राम।